जेवर कोठी, खुशियों में जोड़े एक नया रंग। वहाँ मिलेंगी तुम्हारी मनपसंद डिजाइन वाली सारी ज्वेलरी। सो स्वीट। जेवर कोठी, खुशियों में जोड़े एक नया रंग। अजय होटल बिल्डिंग, लल्लाबीर मेन रोड, वाराणसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव वेनस, मैं हूं ध्यान। बात करते हैं आगामी 26 दिसंबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या कुछ सावधानी व्यक्ति को रखनी चाहिए, जिससे कि उसके परिवार का, समाज का भला हो सके, सुख समृद्धि बनी रहे, ग्रहों की चाल कैसी रहेगी, इन सारी चीजों की जानकारी के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं काशी रत्न अलंकृत पंडित श्यामधर शास्त्री जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, विद्वान हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ ये सूर्य ग्रहण समेटे हुए है। पंडित जी, स्वागत है लाइव बीएनएस में, बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, सर्वप्रथम तो हम जानना चाहेंगे कि ये सूर्य ग्रहण लगता क्यों है, धार्मिक महत्व क्या है इसका, और सूर्य ग्रसित क्यों होते हैं? जी बिल्कुल, इसके पीछे धार्मिक महत्व ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय जो अमृत कलश निकला, धन्वंतरी जी जो अमृत कलश लेकर के निकले समुद्र से, तो उस समय देवताओं और राक्षसों के बीच विवाद प्रारंभ हुआ कि हम अमृत कलश का पान करेंगे, हम अमृत का पान करेंगे। किंतु भगवान विष्णु ने यह निर्णय किया कि सर्वप्रथम देवता पान करेंगे, उसके बाद राक्षस पान करेंगे। उसी बीच जब देवताओं के पंक्ति में एक राक्षस आकर के बैठ गया, बैठने के उपरांत उसने अमृत को पान कर लिया और इस चीज को सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया। जब सूर्य और चंद्रमा ने देखा तो भगवान विष्णु से कहे, विष्णु भगवान ने उन राक्षस का गला सुदर्शन चक्र से काट दिया। अब गला काटने के उपरांत चूंकि विषपान नहीं हो पाया, गले काटने के बाद ऊपर का जो धड़ हुआ वो राहु हो गया और नीचे का जो धड़ हुआ केतु हुआ। तो बात आज हम कर रहे हैं केवल सूर्य ग्रहण के बारे में। तो जो सूर्य के कटान बिंदु के पास राहु का वास होता है, जो सूर्य जो चक्र घूमता है वो कटान बिंदु पर राहु है। वो राहु जब सामने के तरफ आ जाते हैं तो वहीं सूर्य ग्रहण के रूप में देखा जाता है। यह हमारा धार्मिक महत्व है। गुरुजी, कभी कभी भ्रांतिवश व्यक्ति नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण देखता है, क्या इसे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, देखने से क्या कुछ हानि हो सकती है? जी बिल्कुल, नंगी आंखों से यदि हम सूर्य को देखते हैं ग्रहण काल में तो हमारे आंखों के लिए विशेष कर नुकसानदेह होता है। साथ ही जो उस समय राहु के प्रभाव से जो नकारात्मक ऊर्जा निकलता है, जैसा हम पाते हैं कि सूर्य हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि सूर्य के बिना व्यक्ति के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो सूर्य से जो उस समय नकारात्मक प्रभाव निकलता है वो आंखों के लिए नुकसानदेह है, इसलिए कभी भी सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से न देखें। इस पर भी विशेष रूप से हम बात करते हैं कि इस पर भी एक समस्या विशेष आती है कि सूर्य को नंगी आंखों से आप देखते हैं तो कुछ राशि के लिए विशेष रूप से नुकसानदेह रहेगा। जैसे इस बार मूल नक्षत्र में लग रहा है जो धनु राशि है, तो धनु राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए विशेष सावधानी बरतना पड़ेगा, बरतना चाहिए। गुरु जी, बात की जाए देश के ऊपर और विभिन्न जातक की राशियां जो हमारी हैं, उनके ऊपर किस प्रकार का ये सूर्य ग्रहण प्रभाव डाल सकता है? जी बिल्कुल, अभी हम बात करते हैं कि सूर्य ग्रह का ग्रहण का समय क्या होगा। ये खंड ग्रास सूर्य ग्रहण है, यानी पूरे सूर्य को न घेर करके एक तरफ से घेरेंगे, और ये सूर्य ग्रहण भारत में, पूरे भारत में दृश्य होगा, उत्तर पूर्वी रूस और ऑस्ट्रेलिया में भी दृश्य होगा। अब इस ग्रहण के प्रभाव से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कब, इसका समय क्या होगा? चूंकि बात करते हैं भारतीय मानक समयानुसार 8:41 से 1:36 तक खंड ग्रास सूर्य ग्रहण रहेगा।
विशेष रूप से अब बात करें काशी की, चूंकि हम लोग काशी से हैं तो स्थानीय समय के अनुसार जगह जगह अलग अलग समय पर पड़ेगा। काशी में प्रातः 8:21 में प्रारंभ होगा और 11:14 में समाप्त होगा। अब विशेष रूप से इस समय स्नान दान आदि का महत्व है, सूर्य ग्रहण काल में स्नान का विशेष महत्व है, क्योंकि जब हमारे करीबी ग्रह या जिनसे हमारा जीवन है वो जब ग्रसित होते हैं तो हमारे राशियों पर, हमारे ग्रहों पर अलग अलग प्रभाव छोड़ते हैं हमारे जीवन पर। चूंकि ऐसा पाया जाता है 15 दिन से 1 महीने तक ग्रहण का हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। गुरु जी, बात की जाए तो इस दौरान व्यक्ति को सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, सर्वप्रथम इस बार ग्रहण काल में धनु राशि में 6 ग्रहों का वास हो रहा है, सूर्य चंद्रमा बुध बृहस्पति शुक्र केतु, इन ग्रहों के प्रभाव से हमारे जीवन पर काफी परिवर्तन आएगा। और विभिन्न राशि के जातक एवं जातिकाओं की यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए इस ग्रहण का विशेष प्रभाव रहेगा, मान हानि का खतरा होगा, अपमानित होना पड़ सकता है। वृष राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए शत्रु भय प्रबल रहेगा, शत्रु प्रबल होंगे, सचेत रहें, सावधान रहें। मिथुन राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए स्त्री पीड़ा, पत्नी को शारीरिक कष्ट होगा, अगर कोई पत्नी है मिथुन राशि की तो उसके पति को शारीरिक कष्ट होगा। जी, बात करते हैं कर्क राशि, कर्क राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए सुख के संसाधन जुटेंगे, कर्क राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए काफी बेहतर रहने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि, सिंह राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए बहुत बेहतर फलदायी नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि, कन्या राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए सुख के साधन जुटेंगे, श्री की प्राप्ति होगी, तो कन्या राशि के जातक एवं जातिकाओं के लाभप्रद रहेगा। तुला राशि, तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए भी मध्यम फलदायी रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए व्यय की अधिकता के कारण मानसिक तनाव उत्पन्न होगा। धनु राशि, धनु राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं होगा, अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो सकता है, विवाद उत्पन्न हो सकता है, सचेत रहें, सावधान रहें। मकर राशि, मकर राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए कार्य क्षेत्र में वृद्धि का योग दृष्टिगोचर होता है, सफलताएं प्राप्त होंगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए लाभप्रद रहेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, शारीरिक कष्ट पूर्व काल से कोई चला आ रहा है उसमें लाभ होगा। आखिरी राशि मीन राशि, मीन राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए सुख के संसाधन जुटेंगे, माता या मातृतुल्य पक्ष की कोई महिला अगर शारीरिक रूप से कष्ट में रहती हो तो उनको लाभ होगा, यान वाहन आदि का योग भी दृष्टिगोचर होता है। गुरु जी, ग्रहण के दौरान पूजा पाठ का विशेष महत्व है, धार्मिक चीजों का महत्व है, तो पूजा पाठ के जो कपाट हैं मंदिर के और घर में भी लोग ठाकुर जी की पूजा करता है, तो कब से वो अपनी पूजा को रोक देंगे और कै बजे से अपनी पूजा फिर प्रारंभ करेंगे ग्रहण के दौरान? बिल्कुल जी, देखें ऐसा है, सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व शुतक लग जाता है जी। अब जब 12 घंटे पूर्व शुतक लगता है तो अलग अलग समयों पर, जैसा हमने बात किया काशी की बात करें तो 8:21 पर सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो रहा है सुबह प्रातः, तो यानी 25 तारीख को रात्रि 8:20 के बाद, यानी 8:21 से सुतक काल प्रारंभ हो जाएगा। रात्रि 8:21 से भोजन निषेध होता है, किंतु रोगी बालक और वृद्ध को छोड़ करके कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करेगा। अब इस काल में हम एक चर्चा करें कि विशेष रूप से जो घर में भोजन बच जाता है उसको हम शुद्ध कैसे रखें, तो कुशा या तुलसी पत्र डालने की परंपरा है, डालने की विधि है कि इसको भोजन में डाल देते हैं तो भोजन अशुद्ध नहीं होता है।
गुरुजी मंदिर के कपाट रात्रि यानी 25 दिसंबर को 8:20 के बाद बंद हो जाएंगे, जो सूर्य ग्रहण समाप्ति के बाद यानी वाराणसी में 11:24 के बाद मंदिर के कपाट खुलेंगे। स्कॉलर्स वैली, अ होम ऑफ एजुकेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 8, कॉल 9235442970, नियर उकार हॉस्पिटल, सुंदरपुर, वाराणसी। एजुकेशन पार्टनर विद टाटा क्लास 8। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है लाइव बीएनएस में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित श्यामधर शास्त्री जी, विद्वान हैं, और सूर्य ग्रहण की हम बात कर रहे थे। गुरु जी, सूर्य ग्रहण के दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें विशेष रूप से क्या सावधानी रखनी चाहिए, और इन ग्रहण के दौरान किन किन व्यक्तियों के लिए यह ग्रहण निषेध नहीं है, जिसे कही जाए छूट मिल सकती है जिन्हें? जी बिल्कुल, सर्वप्रथम गर्भवती स्त्री की बात करें तो जैसा हमने पूर्व में चर्चा किया कि सूर्य से नकारात्मक ऊर्जा उस समय निकलता है, तो गर्भवती स्त्री सूर्य ग्रहण से पूर्व अपने उदर पर गोबर का लेपन करें और भूल कर भी सूर्य को न देखें, प्रयास करें घर से बाहर ही उस काल में न निकलें, तो इससे बच्चे के लिए बचाव हो सकता है, उससे कोई नकारात्मक नहीं मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं कि रोगी, बालक, वृद्ध और गर्भवती स्त्री, इसके लिए किसी भी तरीके का कोई निषेध नहीं है, ऐसे लोग भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है उसको शुतक काल के बाद यानी 25 दिसंबर को रात्रि 8:20 के बाद से भोजन का त्याग कर देना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। एक चीज और है, मनोरंजन के संसाधन का उपयोग न करें, नित्य गान वादन इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए, ईश्वर आराधना करें, और शुतक काल में या ग्रहण काल में जो भी हम पूजा करते हैं उसका 1000 गुना फल मिलता है। किसी भी मंत्र का, किसी भी विषय का आप जाप करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, पूजन करें तो बेहतर रहेगा। खास करके अगर भगवान सूर्य के लिए, चूंकि सूर्य उस समय ग्रसित होते हैं और सूर्य से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, जी गुरुजी, सूर्य से ही हमें ऊर्जा मिलता है, आज पूरे जीव का संरचना सूर्य से है, जी गुरुजी, तो उस समय सूर्य भगवान के मंत्र का यदि हम जाप करते हैं तो हमारे लिए बेहतर होता है। वो गुरुजी वो मंत्र कौन सा है जिससे कि ग्रहण के दौरान व्यक्ति बचा जा सके? जी बिल्कुल, ओम जपाकुशुम शंकाशम काश्यपेयम महाद्वितिम तमोरिम सर्व पापोग्नम प्रणतोष्मि दिवाकरः। इस मंत्र का आप जाप करें, मैं पुनः दोहरा दे रहा हूँ, ओम जपाकुशुम शंकाशम काश्यपेयम महाद्वितिम तमोरिम सर्व पापोग्नम प्रणतोष्मि दिवाकरः। इस मंत्र का आप जितना भी यथाशक्ति जाप कर सकते हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा, लाभप्रद रहेगा। इसके अलावा जब मोक्ष होता है, जो स्नान करने की हमारे यहाँ विधि है या परंपरा है, वो 3 समय में है, जब ग्रहण आरंभ होता है, जब ग्रहण आरंभ, जैसे वाराणसी की बात करें तो 1 स्नान 8:21 पर प्रातः काल, उसके बाद जो मध्य का स्नान करते हैं वो 9:48 पर करेंगे, उसके बाद मोक्ष का जो स्नान करेंगे वो 11:14 पर करेंगे। तो स्नान के उपरांत दान करने की परंपरा है, चूंकि हम दान क्यों देते हैं, दान के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि हमारे अंदर जो नकारात्मकता होता है, निगेटिविटी होता है, वो हम कहीं ना कहीं उदारता के कारण या जिस भी रीजन से भगवान सूर्य का पूजन करने के उपरांत हम दान देते हैं, चावल, गेहूं, या अगर लाल पुष्प भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं, अर्घ देते हैं, तो उससे हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। गुरुजी, कूसा जो खाद्य पदार्थ है ग्रस्त जीवन में, किन किन खाद्य वस्तुओं में हम कूसा रखकर उसे सुरक्षित रख सकते हैं ग्रहण के दौरान? जी बिल्कुल, खाद्य पदार्थ में जो पेय पदार्थ है जी गुरुजी, या विशेषकर जो भी वस्तु खाने लायक है, जैसे कुछ चीजें कभी अशुद्ध नहीं होती, जैसे फल,
फल में कुशा डालने की आवश्यकता नहीं है, तुलसी पत्र डालने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो भी खाद्य पदार्थ है, जो बना हुआ भोजन है, जो पका हुआ भोजन है, उसमें हम कुशा या तुलसी पत्र डालते हैं ताकि ग्रहण का नकारात्मकता उस पर न आ पाए। गुरु जी, गृहस्थ जीवन में चीनी, गुड़ और गेहूं, चावल, दाल ऐसे भी पदार्थ होते हैं, उनमें क्या कुशा डालने की आवश्यकता है या वो ऐसे ही शुद्ध रहेंगे? गृहस्थ जीवन में अगर बना हुआ खाद्य पदार्थ है तब तो डालने की आवश्यकता है, जब खाद्य पदार्थ बना हुआ नहीं है, कच्चा है, तो उसमें डालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। तो आपने सुना, पंडित श्यामधर शास्त्री जी द्वारा बताया गया कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या कुछ सावधानी रखकर आप इन ग्रहों से बच सकते हैं और अपने परिवार की कुशल मंगल कामना कर सकते हैं। आप बने रहिए लाइव बीएनएस के लिए। कैमरामैन अर्पित के साथ मैं ध्यानचंद शर्मा, वाराणसी। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पत्रिका बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा पहाड़िया वाराणसी।